बाकी सबसे घटिया इंजन ऑयल है, ये मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी एक्सप्लोरर। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्या होने वाला है, जैसे मैं इसमें अपने घर पे ही इंजन ऑयल चेंज करने वाला हूँ। वैसे मैं चाहता तो सर्विस सेंटर जा सकता था, बट मैं सर्विस सेंटर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को कुछ टाइम बाद निकलना है राइड पे और मेरे को राइड से पहले सर्विस चाहिए ही चाहिए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर देखा जाए तो एक महीना है, एक महीना भी नहीं 15-20 दिन है, और 15-20 दिन के लिए सर्विस कराना कोई फ़ायदे की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाना मतलब 6-7 हज़ार का ख़र्चा तो मान के चलना। तो इसलिए मैंने सोचा अभी के लिए मैं सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कर लेता हूँ, बाकी फ़िल्टर क्लीन वगैरह सब कुछ है जो वो सर्विस पे करा लूँगा जाने से पहले, जो मैं सर्विस कराऊँगा। तो इसलिए मैं सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको इसमें ये दिखाऊँगा कि इंजन ऑयल चेंज कैसे होता है। बाकी वैसे तो ईजी प्रोसेस है, तब भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। और मैं इंजन ऑयल डालने वाला हूँ लिक्विड मोली का, निहायत ही घटिया इंजन ऑयल है, कभी उपयोग ना करें, मेरी मजबूरी है तभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो। सो गाइस, देख सकते हो ये रही अपनी ब्लू बेरी। इसमें सबसे पहले आपका यहाँ एक लॉक होता है, वो लॉक मैं निकाल चुका हूँ, नीचे का आपको खोल देना है। सेम उस साइड से भी करना है, इसको नीचे हो जाएगा ये, फिर वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ तो गाइज़, अब मैं दिखा रहा था, ये आपकी कैप है जहाँ से इंजन ऑयल डलेगा, और एक ये लॉक देख रहे होगे, एक ये वाला लॉक, ये लॉक खोल दो, उसके बाद ये पूरा नीचे लटक जाएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ। सो गाइज, ये देख सकते हो ये पैनल मैंने लटका दिया पूरा। तो अब आपका इंजन ऑयल निकलता है इसमें, ये वाला जो नट दिख रहा है आपको एल एन की का, इसको जैसे ही आप खोलोगे इसमें से इंजन ऑयल गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई एक बर्तन या फिर बॉटल वगैरह ले लेना जिसमें आप इंजन ऑयल गिराओ, ताकि क्या है वो इंजन ऑयल आप फैले ना, और अगर फैल गया तो वो दिक्कत हो जाती है, मतलब ज़मीन गंदी रहेगी, वो साफ़ होता है नहीं इजीली। तो किसी बर्तन वगैरह में डाल लेना। ये वाला नट है, मैं इसको खोलता हूँ एलएनजी से, फिर मिलता हूँ। तो गाइज, लास्ट टाइम आपको पता होगा मैंने लिक्विड मोली डलवाया था, तो ये अब चल चुकी है 3000+, लेकिन इंजन ऑयल अभी भी मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इंजन ऑयल 3000 के बाद भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा निकला है कह सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत घटिया है। और ये देखो, मैंने आपको नट जो दिखाया था मैंने उसे खोला और सारा इंजन ऑयल बाहर आ चुका है। गाइस, मैं डाल रहा हूँ इसमें अब दोबारा से लिक्विड मोली 15W50। इसमें डलता है 1750 ग्राम्स इंजन ऑयल, एक लीटर की एक पूरी बॉटल डल जाएगी, और 750 ml आपको अलग से डालना पड़ेगा। तो वो चीज़ याद रखना, कम मत डाल देना, एक ये बॉटल हो गई और 750 ml और डालना। और मैं लिक्विड मोली क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका ऑयल फिल्टर चेंज नहीं कर रहा, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत इंजन ऑयल इंजन में रह जाता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई और इंजन ऑयल डालने से अच्छा मैं अभी थोड़े टाइम के लिए यही डाल लूँ। ठीक है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को, कुछ खास नहीं लगा इस इंजन ऑयल में मेरे को, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने इंजन ऑयल लेना है तो बेस्ट कैस्ट्रॉल है, और मैं कैस्ट्रॉल में ही अगली सर्विस कराऊँगा। तो ये इसमें तो मत ही कराना, बस नाम नाम है, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं पूरी सर्विस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सो इस चीज़ को इग्नोर ही करना। बाकी सबसे घटिया इंजन ऑयल है, ये मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा। ये इन्होंने इतना बड़ा पाइप सा दे दिया, ऐसे तो मैं आधा घंटा रह जाऊंगा भाई, कब तक ख़त्म होगा ये इंजन ऑयल। और ये देखो गोल्डन, कितना लाइट गोल्डन है, और ये डार्क सा हो गया है, लेकिन तब भी आपको
लाइट गोल्डन दिख रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा वो था, मतलब 3000 चलने के बाद भी अच्छा साफ इंजन ऑयल निकला है, लेकिन बहुत घटिया परफॉर्मेंस थी। सो गाइज, आपने देख लिया कैसे मैंने इंजन ऑयल चेंज किया, सब किया। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी समझ आया या हल्की फुल्की भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर कोई आरआर वाला आपका भाई बंधु है जिसको घर पे बैठे बैठे सर्विस करनी हो तो उसे शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं इसी ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ राइड गाइज़।